आपका ज्वाइन करने के लिए। हमारे जी जी साथ बहुत 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 शुक्रिया जी, उमर शेख साहब धन्यवाद। जुड़े हैं, ये काफी अच्छी तरीके से इन्होंने गुफ्तगू की थी, इनसे बात करेंगे। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? शुक्रिया। तबीयत ठीक है समीर भाई? तबीयत सही है आपकी? आज कैसे लग रहे हैं? आवाज जरा डिम लग रही है आज जी आपकी। नहीं नहीं आपकी दुआ है। मैं 10 घंटे की स्ट्रीम रात को किया हूं और अभी भी 6 घंटे, 6.5 घंटे की हो चुकी है और अभी भी छह हाँ घंटे की और कर सकता हूं सर। सही है सही है, मतलब फुल टाइम है ना, तो इस वजह से तो जाहिर सी बात है आप थक भी गए होंगे, बहुत ज्यादा आवाज दे दी है आपने। कोई मसला नहीं है, आपसे बातचीत होगी। आप एक रेफरेंस के बारे में कल गए थे लेकर के, मैं उसके बारे दोनों में दोनों ही लेकर के के आए। मुतालिक, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं सबसे पहले जो है आपके जो आपने खामखा में मेरे जिम्मे लगा दिया था, लेकिन पहले उसी को क्लियर करूंगा मैं, ठीक है। सीरत हलबिया में से आपने एक हवाला दिया था, याद होगा ना आपको? जी। जी, तो उसका मैंने आपसे व्हाट्सएप पे पूछा भी था कि आपने मुझे उसका तबा वगैरह देना है, नहीं दिया, कोई मसला नहीं है। नहीं, मैं मैंने दिया आप, नहीं दिया मैंने आपको आप दिया नहीं 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 सर, मैं मैंने आपसे आपको पूछा था कि तबा तबा आपने मुझे देनी है, पब्लिशर देना है, इसका मुतरजिम देना है, आपने मुझे वो नहीं दिया। वो अभी तक मैं वहीं पे वेटिंग हूँ, वो नहीं मिला नहीं, मुझे, छोड़ दें। उतनी सारी चीजें मुझे याद नहीं है। मेरे पास ये पीडीएफ की शक्ल में है, किताब आपके सामने मौजूद है, ये हवाला मैंने आपको पेश किया वो था आपने फिर तो पीडीएफ मुझे भेज देना था ना, इसमें देर कितनी लगती है। खैर आपने नहीं भेजा, बहरहाल आप छोड़ दें। आपने जो रिवायत मुझे दी थी ना सीरा हलबिया की, तो उसको जी। मैं आपने मुझे मुतरजिम दी थी, मैं उसको अरबी वाली निकाल के उस रिवायत के ऊपर तहकीक करके ले आया हूँ आपके सामने, ठीक आप है। शेयर करें और जी आप जी पेश जी करें। जी 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 अगर आप कहें तो मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूं। जी, बिल्कुल, आप कर दें मुझे, या तो व्हाट्सएप पे कर दें या फिर मुझे ईमेल पे। मैं अभी यहाँ पे स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन आ सकता है? आप इस मोबाइल से हैं कि लैपटॉप से हैं? मैं लैपटॉप से हूँ, हाँ, तो लैपटॉप पे आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल, आप नीचे देखिए, मैं आपको समझ एक गया। शेयर स्क्रीन का ऑप्शन दिख रहा होगा। हाँ, प्रेजेंट हाँ का दिख रहा होगा। प्रेजेंट पे आप जाएं, शेयर स्क्रीन करें और वो फाइल जहाँ खुली हुई है उसको सेलेक्ट जी जी करके जी जी आप जी अग्री जी करते हैं। जी 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 ओके। ये आपके जी यहाँ शेयर हो गया, जी जी आ गया स्क्रीन पर। जी गुड हो गया, मैं इसको पढ़ता हूँ। ये अरबी में है, मैं मकतबत शामिला से पढ़ रहा हूँ, ये इसका ओरिजिनल अरबी कॉन्टेक्स्ट और टेक्स्ट है। अब जो आपने इबारत बताई थी उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये। अब ये जो यहाँ ये इबारत है, ये बगैर सनद के यहाँ मनकूल है, इसकी सनद ना आगे है ना पीछे है। कल मैंने आपसे अर्ज किया था तो आपने भी मुझे नहीं निकाल के देनी थी, क्योंकि यहाँ है ही नहीं सनद, तो लेकिन इबारत जरूर मौजूद है। लेकिन इबारत में जो मुतरजम ने एक गलती की है, मैं उसकी तरफ आपका की तवज्जा जो है मैं चाहूंगा। यहाँ पे देखिए, सुम्मा बाअथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद इब्न ज़ैद अल अंसारी बिसबाया बनी कुरैज़ा इला नजद फी इब्ताई लहुम बिहिम खैलन व सलाहा। अब ये जो इबारत है बिसबाया, अब ये बिसबाया वहां पे जो आपकी उर्दू की इबारत है, उसने उन्होंने जो है कैदी का तर्जुमा करने की बजाय उन्होंने उसको डायरेक्ट लिख दिया लौंडियां और गुलाम, उसको बेचने के लिए वो नजद की तरफ भेजे गए। कौन? साद बिन जैद अल अंसारी। हालांकि बिसबाया जी का मुतलकन तर्जुमा, बिसबाया का मुतलकन तर्जुमा जो है कैदी बनता है। अब कैदी के अंदर औरतें मर्द दोनों शामिल हो सकते हैं, और नीचे इसकी बहुत सारी तफसील भी है, इसकी नीचे बहुत जी सारी तफसील ये है। उसमें से ये है कि देखिए, वफी लफ्जी बस साद इब्न इबादा इला शामी बिसबाया यबीउहुम व यश्तरी बिहिम सलाहुम व खैला। अब इसके ऊपर एक ओरिजिनल एतराज जो आपने अभी तक मुझ पे किया ही नहीं, जो इस पे बनता है, वो अगर आपके जहन में आ जाए अभी कर दें, अभी क्लियर कर देता हूं, ठीक है। ये भी मैंने आपको सिर्फ इस पे बताया कि लफ्ज जो है इसका बिसबाया है, और वहां पे जो डायरेक्ट उन्होंने लिखा लौंडियां और गुलाम, वो यहां से भी साबित नहीं होता। एक बात ये हो गई कि वो मुतरजिम की खता है। अब दूसरी बात पे आई है कि इसकी सनद के ऊपर,
अब मैं इसकी सनद में निकाल के लाया हूँ, अगरचे यहाँ सनद मजकूर नहीं है, लेकिन मैं इस रिवायत की सनद में लेकर आया हूँ, निकाल कर आया हूँ, वो मैं इसके ऊपर सनद के ऊपर जरा करना चाहूंगा। मैं पढ़ देता हूँ जरा इसके ऊपर। थैंक यू फॉर बीइंग हम्बल समीर भाई, सुनने का मौका देने के लिए। फिर आप मुझ पे भले जितने एतराज करें, मैं भी आपकी इसी तरह के सुनूंगा, वादा रहा। अच्छा, और इसी तरीके से बात करेंगे। अब देखिए, जो ये जो खबर है, हादल खबर यतदावल उलमा सियर वल मगाजी, इसको इसको जो है सियर सीरतें लिखने वाले और मगाजी यानी के जंगों के अहवाल लिखने वाले उलमा बहुत ज्यादा जिक्र करते हैं। व मजदर हु आलम सियर वल मगाजी अल कबीर लि मोहम्मद इब्न इसहाक। अब जो ये है, ज्यादा से ज्यादा जो ये नरेशन होती है, उसके नरेटर अक्सर मोहम्मद बिन इसहाक होते हैं। फजकरहु इब्न हशाम फी सीरतिही सफहा 255 एंड जिल जो है इसकी 3। मनसूबन इला इब्न इसहाक मिन कौलिही, अब ये मनसूब होती है इब्न इसहाक की तरफ। वकजा रवाहुल बैहकी फी सुनन अल कुबरा, और इसको बैहकी ने भी जिक्र किया है सुनन अल कुबरा में। और बेसनाद ही इला इब्न इसहाक ऐजन, और यही रावी हैं इसके इसहाक। अब ये जो जो इबारत है सेम वही है, इसमें कोई कमी कजी नहीं है। अखबरना अबू अब्दुल्लाह अल हाफिज़ हदसना अबुल अब्बासी मोहम्मद इब्न याकूब हदसना अहमद इब्न जब्बार हदसना यूनुस बुकैर अनस इब्न इसहाक قصه قريظه قال قال ثم بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سعد بن زيد اخا بني عبد اشهل بسبايا بني قريظ الى نجد في ابتاع لهم بهم خيلا وسلاحا فهذا الخبر لا يصح سنده, इसकी खबर सही नहीं है, ये ज़ईफ रिवायत है। لان من شروط الصحيح ان يتصل السند الى من شهد الحادثه, अब सही किसी रिवायत की होने के लिए एक शर्त है कि सनद में इत्तिसाल होना चाहिए, जो शाहिद हैं विटनेसेस होने चाहिए इसके अंदर। बट यहाँ पे क्या केस है, वो केस ये है कि फसही हो, ये है कि मा इत्तसल इसनादहु बिलउदूल ज़ाबितैन मिन गैर शुज़ूज़ वला इल्लतिन, और इसके अंदर इसकी सेहत के लिए कोई दलील नहीं है। ये शाज़ व नादिर रिवायत है, इसनाद इसकी मुनक़ते है। व इसनादु हाज़ल ख़बर मुनक़तेउन गैर मुत्तसिल, मुत्तसिल भी नहीं है और मुनक़ते है इसकी रिवायत। लिअन्न इब्न इसहाक लम यदरक ज़मन अल हादिसती, उस टाइम पे इसहाक थे ही नहीं। और फमौलदहु हवाली सन 70 हिजरीयन, अब उसकी जो है 80 हिजरीयन, अब उसकी जो पैदाइश है वो 80 हिजरी की है। और ये रिवायत वह फिर रिवायत ही मादूद मिन इत्तबा अत्ताबईन फला शक अन्नहु नक़लहु मिन गैरिही, अब इसमें कोई शक नहीं रहा कि ये रिवायत उसने कहीं से नकल की है। लेकिन वह नहन नुजहल मिन अखबारिही, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि कहाँ से हो रही है, सनद ही मुत्तसिल नहीं है इसकी। फहाज़ल ख़बर मुनक़तिउन बिल इस्नादि व मुअज़्ज़िलुन वल मुअज़्ज़िलु अहदुल अनवाइल हदीस ज़ईफ, सनद मुनक़त हो रावी मजहूल हो, सनद मुनक़त है रावी इसमें से गायब हैं, इसलिए ये ज़ईफ रिवायत है। अब ये मैंने आपके इसके सनद पढ़ दी, इसके ऊपर मैंने इसकी जरह मैंने सारी पढ़ दी आपके सामने इसके ऊपर। अगर आपके पास इस रिवायत को साबित करने के लिए कोई और तुर्क हैं, कोई नरेशन है इसको सही साबित करने के लिए, तो वो पेश कीजिए, फिर मैं उसके लिए जरह लेके आ जाया करूँगा। ठीक है, अभी इसके ऊपर एक एतराज़ ये रहा, वो आपने अभी तक किया नहीं है। वो जो असली मुश्तशरिकीन इसके ऊपर एतराज़ करते हैं, वो अभी तक आपके जहन में आया भी नहीं है, गुजरा भी नहीं है। अल्लाह करे आ जाए ताकि वो भी कर लें, तो वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। आपके बताए बगैर अभी तक मैं उसको क्लियर नहीं करूंगा, उसको हाथ टच नहीं लगाऊंगा मैं, क्योंकि हमें एनर्जी जाया होगी। अच्छा, उसपे बाद में जाता है, उसमें बाद में जाते हैं। आपने जितनी भी बातें की हैं, अब मैं थोड़ा सा उस पर बात कर लूँ अगर आपकी जरूरत। बिल्कुल, आप कीजिए, मैं सुनता हूँ, मैं अपने आप को म्यूट करके सुनता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जो आपने सनद जो पेश की है, जो पढ़ी है आपने, आपने हदीस के ऊपर इसका जो मुतरजम मैंने पेश किया था उसकी आपने अरबिक टेक्स्ट पेश किया है। जो आपने सनद पढ़ी है उसकी आपने स्क्रीन शेयर नहीं की है मेरे साथ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी गुजारिश है कि उसकी सनद आप स्क्रीन पर शेयर कर दें, इसको हटा करके जो सनद है जहां से आप उसको पढ़ रहे हैं। जी, मैं वो मेरे पास टेक्स्ट में है, वो इस तरीके से नहीं है, तो इस वजह से मैं वो नहीं कर रहा, जरा मैं वो लिख के लाया था इसलिए। तो आपसे मेरी गुजारिश ये रहेगी कि वो आपने पढ़ी है सनद जो भी है, लेकिन वो मेरे सामने स्क्रीन पर नहीं है और ना उसका हवाला मेरे पास मौजूद है कि आप कहां से पढ़ रहे हैं। मैं वो आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ, ठीक है ना?
उसका हवाला आप मुझे शेयर कर दें तो मैं उसको एक बार पढ़ लेता हूँ वो और मैंने पढ़ कीबोर्ड करके से, चेक कर हाँ लूंगा। हाँ वो बिल्कुल आप 1000 मरतबा कीजिएगा। मैं आपको टेक्स्ट जैसे मैंने लिख के नोट किया है, उसकी जरह मैंने जहां जहां से नोट की है तो वो मैंने 3-4 जगहों से किया ना, तो जब मैं आपको टेक्स्ट भेज देता हूँ आपको उसकी कोई नरेशन जी और या तुर्क और मिल जाते हैं तो तुर्क ले आइए, उसके ऊपर देख लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अभी तक आपने इसके मुताबिक जो सनद पढ़ी है उसके मुताबिक कुछ चंद एक बातें हैं जिस पर मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। यहाँ पर जो मेन आप लोगों का आपका जो एतराज है वो ये है कि इब्ने इशाक जो है जिसने ये तुर्क ये नकल किया है ये मतलब, तो उसने कहीं और से नकल की है क्योंकि ये उस वक्त मौजूद नहीं था। इसकी पैदाइश जो है वो सन हिजरी सन 80 हिजरी की है। एम आई राइट उमर साहब? जी, ओके। और ये उससे कबल की रिवायत है तो उसने ये कहीं से नकल की है लेकिन उसने इसका हवाला पेश नहीं किया इब्ने इशाक ने कि ये मतन जो है ये तुर्क उसने कहाँ से नकल किया है, तो इसलिए ये ऑथेंटिक नहीं है क्योंकि इसके इसके जो है ना पहले से जो रावी है वो मसी है बलहूल है इसलिए मुनकता है ये, और ये जी, एक ज़ईफ़ हदीस आपने इस बेस पर करार दी है क्योंकि इसका हवाला पेश नहीं है। जी तो मैं आपसे बस ये गुजारिश करूंगा कि इब्ने इशाक के ऊपर देखिए आप पहले शख्स नहीं है जो एतराज कर रहे हैं, आपसे पहले बहुत सारे उलमा इकराम जो है इब्ने इशाक के ऊपर एतराज कर चुके हैं, इवन वो लोग एतराज कर चुके हैं। आपका यहाँ पर एतराज ये है कि 80 साल के बाद हिजरत के पैदा होने वाला एक शख्स उस वक्त के बारे में किस तरीके से बात कर सकता है जो वक्त में वो मौजूद नहीं था। तो यही सेम अगर मैं लगाऊं सिस्टम उन सीरत लिखने वालों के ऊपर जिन्होंने बाद में सीरा को लिखा है जो कि इब्न इशाक के बाद आए हैं जाहिरी तौर पर, क्योंकि सबसे पहली शीरा जो लिखी गई है वो हिस्ट्री में वो इब्न इशाक की है, उसके बाद ही बाकी लोगों ने सीरा को लिखा है, और वही सीरा लिखने वाले लोग जो इब्न इशाक के तकरीबन 200 से 250 साल बाद या 300 साल बाद पैदा हुए वो अपनी सीरा लिखते हुए ये कहते हैं कि इब्ने इशाक ने यहाँ पर गलत लिखा है, और वो भी बिना किसी प्रूफ के बिना किसी रेफरेंस के और बिना किसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस के वो ये बात करते हैं। तो ये चीज तो उन पर भी लागू होती है कि जो शख्स उनसे 200 साल पहले गुजरा है वो उसको किस तरीके से जो है ना नकार सकते हैं जबकि वो खुद वहां उस वक्त मौजूद नहीं थे, इस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन पहला मेरा जो आपसे आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि जो सनद आपने पढ़ी है प्लीज वो काइंडली मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करें तो मैं उस पर रिसर्च करके और फिर नेक्स्ट स्ट्रीम में इस पर आपसे बात बिल्कुल जरूर बिल्कुल करूंगा। बिल्कुल इसी तरीके से चलेंगे हम। आप इस पर रिसर्च कीजिएगा, मैं कल फिर जो है ना मैं हाजिर हो जाऊंगा खिदमत में। मैं अर्ज ये कर रहा था कि आपका जो ये आर्ग्यूमेंट है मैं इसको इस तरीके से रद्द करूंगा कि आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस नरेटर इब्न इसहाक इन हिम सेल्फ, मुझे इसकी जात से कोई प्रॉब्लम नहीं है जो यहाँ पे टेक्निकल फॉल्ट नरेशन में आया है। इफ आई राइट टूडे असीरा ऑन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बट आई नरेट completely and I show every narrator and it reaches completely to Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam without any absence of any narrator in between. So देखें ये वाले कमेंट्स आप दरमियान में दागेंगे तो ये मौजू भी चेंज होगा, और ये देखिए ये जो अनएथिकल लैंग्वेजेस ये यूज हो रही है ना ये अलाउ नहीं करूंगा। फिर मैं आइंदा इस चैनल पे कभी भी नहीं आऊंगा, याद रखिएगा सिद्धार्थ भाई। फिर मैं अपने चैनल से आपको वीडियोस बना बना के भेजूंगा और व्हाट्सएप पे भेजूंगा, फिर आप इसके जवाब फिर आप इस तरीके से देंगे, फिर ये तरीका नहीं चलेगा। दूसरी बात, अब सुनिए मुझे उमर साहब, मैं कंटिन्यू करता उमर हूँ। नहीं साहब मुझे भी मेरी सफाई पेश करने का मौका दें उस नहीं पर। मैं 1 मिनट मैं अपना आर्ग्यूमेंट क्लियर, एक सेकंड की बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि बीच में आपने ये बात करी तो मुझे इसका जवाब देना लाजिम है यहाँ पर, क्योंकि आपने मेरे ऊपर ये बहुत लगा दिया कि मैं लाया हूँ। असल में हमारी एक मॉडरेटर टीम होती है जो कमेंट को हाईलाइट करती है, वो हाईलाइट करने का काम इस वक्त मैं नहीं कर रहा, मेरा पूरा का पूरा ध्यान जो है वो आपकी बातों पर है। वो मॉडरेटर ने हाईलाइट किया था मैंने उसको हटा दिया है, तो अब आप कंटिन्यू बात करें। थैंक यू। यही मैं चाहता हूं कि आपकी स्ट्रीम भी पाक साफ रहे। आपने जितने एतराज करने हैं इस्लाम के ऊपर, कुरान के ऊपर, हदीस के ऊपर, रसूलुल्लाह की जात के ऊपर, कीजिए भाई कीजिए, खुल के कीजिए। मेरा भी इल्म थोड़ा बढ़ेगा, मैं भी प्रैक्टिस में रहूंगा, मेरे भी शुगल रहेगा कि मेरा इल्म में इजाफा होगा। मैं कोई जरह लेके आऊंगा, कोई रिवायतें पढ़ूंगा, आपको सुना दूंगा, इसमें कोई मुजायका नहीं है भाई। लाख मरतबा कीजिए, क्योंकि आप मेरी प्रैक्टिसिंग पिच हैं। मेरे यहाँ पे जो है ना मुस्तशरिकीन बहुत बड़े डिबेटर से यहाँ पे मेरा रहता है, यहाँ पे टेबल टॉक रहती है, तो आप मेरे लिए बहुत अच्छी नेट प्रैक्टिस हैं भाई।
जल्दी कीजिएगा, इसके ऊपर जरूर आप एतराजात कीजिए, कोई मसला नहीं है। मुझे अब ये अपना आर्ग्यूमेंट कंप्लीट करना है, वो ये है कि देखिए मुझे इसहाक की जात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसहाक लाख मरतबा वो रिवायतें ले आए जिसमें वो अपनी सनदें पूरी पहुंचा दे, जिसमें कोई रावी मुनकते ना हो, तो मुझे उसकी रिवायतों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो फी जात ही इसकी जात के ऊपर कम ही उलमा ने उसको उसके ऊपर मतऊन किया है, लेकिन उसकी वो रिवायतें काबिल कबूल हैं, वो ली गई हैं जिसने जो इसने पूरी तरह पहुंचा दी है, मतलब उसमें कोई भी मुनकते नहीं है रावी। मेरी बात कंप्लीट हुई, इसके ऊपर रद्द कीजिए। ओके, मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया है, ठीक है, आपने मजीद बातचीत की है उसमें। असल में जहाँ पे ये ट्रांसलेशन मौजूद है, जहाँ से मैंने कल आपको दिखाया था, वहाँ पर मजीद और भी बहुत सारी रिवायतें मौजूद हैं। जैसे कि एक रिवायत वहाँ पर मौजूद है ये इनके बारे में, क्या नाम है इनका, एक मिनट मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। कोई ये मसला नहीं, हजरत हजरत साद बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो है मुतालिक भी एक रिवायत मौजूद है। जब उनको मुल्क शाम में भेजा था तो वो उनके हाथ भी जो है ना, उन्होंने उनके लिए को जो कि बनू कुरैज़ा के कैदी थे उनको भेजा था, और उसके अंदर आगे इन्होंने इसी रिवायत के अंदर बाकायदा उन कैदियों की दो किस्में भी बताई हैं जो कि लौंडियों की किस्में हैं। तीन उसमें किस्में एक किस्म थी, नहीं यहाँ पर दो दर्ज हैं, अगर तीन होगी तो मैं अभी मजीद पढ़ लूंगा। मैं आपको जो याद है मुझे वो बता रहा हूँ जो मैंने जी पहले पढ़ा था, जी जिस जी जी सामने टेक्स्ट दिया मैं आपको बता रहा हूँ। जी तो जी वहां जी पर वो दो किस्में बयान करते हैं, एक तो वो थी जो कि जवान लड़कियां थी, और एक नहीं वो थी जो कि अपना समीर भाई, लेमी पुट समथिंग इन दिस हियर इफ यू अलाउ मी और यू वांट टू कंप्लीट इट। एक मिनट मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर ही कर लेता हूं ताकि कोई मसला ना रहे, फिर आपको जो करना होगा कर लीजिएगा। मेरे ये सामने आपको भी नजर है, आ रही है? मेरे सामने भी है, कोई मसला नहीं, आप ले आइए। ठीक है, अभी मैं ये आया ले नहीं आता हूँ। हाँ आ गया, ये देखिए इसमें एक चीज और आपको यहाँ मिलेगी। काला, एक रिवायत में ये लफ्ज है कि आपने हजरत साद बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये कैदी देकर मुल्क शाम में भेजा था ताकि इनको फरोख्त करके उनकी कीमत से हथियार और घोड़े खरीद लिए जाएं। जी जी चुनाचे जी उन्होंने इन गुलामों के बदले में कसीर तादाद में घोड़े खरीद जी लिए। जी आप जी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन घोड़ों को मुसलमानों में तकसीम फरमा दिया। जी 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 इसके बाद अगली आयत आती है, इनमें मतलब इसी में आगे आता है, इनमें जो बांदिया बनी थी उनको हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खरीद लिया था। पहले उन बांदियों की दो किस्मों किस्में की गई थी, यहाँ पे जी दो किस्में लिखी, ठीक है जी सर, जी जी इस दो सफ़े किस्में पे दो की गई किस्में थी। हैं, एक तो, आगे मैं आपको हाँ बताता हूँ, आप सुनाइए जी सुनाइए। जी अब जो जो इस सफ़े पे मैं वो पढ़ रहा हूँ, जी 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 तो दो किस्में की गई थी कि जवान लड़कियों की को अलाइदा कर दिया गया और बूढ़ी औरतों को अलाइदा कर दिया गया। तो यहाँ पर इस किस्में भी बाकायदा बयान की गई है और इनको खरीदने वालों के नाम भी बयान किए गए जी हैं। जी जी तो जी जी इसमें जी बहुत सारी रिवायत है, आप चाहें तो एक एक करके तो ये कर मैं इसको सकते पढ़ के आया हूँ, अगर हैं। आप कहें तो मैं दोबारा वो अरबी की ले आऊँ, पेज ऊपर ले आऊँ, ताकि मैं आपको सुना दूँ वहाँ क्या फ़र्क है इसके इसके उर्दू के तर्जमे के साथ। मैं आपको सुना देता हूँ। जी, ले आए। काइंडली अलो दिस प्लीज। जी थैंक यू। अब इसके अंदर आपको यहाँ पे आप जब आप आएंगे, मैं वो इबारत छोड़ के जो रिवायत है उसको छोड़ के मैं आगे से पढ़ रहा हूँ। अय फशतरा बिजालिक खैलन कफीरन कसमहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मुस्लिमीन, जो वहाँ से सामान खरीदा गया उनको बेचकर, किनको, कैदियों को, वो मुसलमानों में तकसीम किया गया। वाइश्तरा उस्मान इब्न अफ्फान व अब्दुर्रहमान इब्न औफिन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा जुमला तुम मिन सबाया कैदी, यहाँ पे कैदी का लफ्ज़ है। अब देखिएगा कि सारे के सारे जो कैदी हैं इन दोनों ने खरीदे। फजालत तिलकल जुमला तुम मिन सबाया किस्मैन, ये उसी सफ़े की वही रिवायत है जिसको आपने दो दो किस्मों में किया ना, वो उसी को यहाँ भी दो किस्में बताया गया इस सफ़े के ऊपर। इसके अंदर तीसरी किस्म अगले सफ़े में दाखिल की जा रही है तफसील के अंदर, वो अभी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे दो किस्में की जा रही हैं उसको सुनिएगा। फजालत तिलकल जुमला तुम मिन सबाया किस्मैन, उन कैदियों को दो किस्मों पे मुनकसम किया गया, उनको दो किस्मों पे तकसीम किया गया, डिवाइड किया गया।
उनकी दो टाइप्स बनाए गए, दालत शवाब अला हिद्दा, उनमें से जो जवान कैदी थे, यहाँ पे जेंडर वाला लफ्ज नहीं लाया गया कि इधर देवर फीमेल और देवर मेल, यहाँ पे सीधा सीधा शवाब लिखा गया है, शवाबतुन नहीं लिखा गया। अरबी में शवाबतुन यूज होता है इफ यू वाना से दैट देवर ऑल ओनली लाइक फीमेल्स। अब वो लोंडियों का तस्करा होता तो शवाबतुन होना लाजमी था। इससे पता चला कि इसके अंदर जवान भी थे और औरतें भी थीं, मर्द भी थे और औरतें भी थीं। वजालतिल अजाइज अलाहिदा, उनमें से बूढ़ों को अजूजतुन नहीं कहा गया और इसमें बूढ़ियों का लफ्ज नहीं कहा गया, अजाइज कहा गया। अजाइज में मर्द भी आते हैं और औरतें भी आती हैं, अलाहिदा उनको भी अलहदा किया गया, उनको भी सेपरेट किया गया। सुम्मा खय्यर अब्दुर्रहमान बिन उस्मान बिन उस्मान अब्दुर्रहमान बिन औफ व उस्मान बिन अफान, उनमें से इख्तियार दिया गया अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु को, उस्मान बिन अफान को। फअखज़ अल अजाइज़ व अखज़ अब्दुर्रहमान अशवाब, और उनमें से जवानों को, फिर वही टेक्निकल प्रॉब्लम, जवानों को अब्दुर्रहमान ने रखा, बूढ़ियों को फअखज़ अल अजाइज़ उस्मान रजी अल्लाह तआला रखा। वजाला उस्मान रजी अल्लाह तआला कुल वाहिदतुम मिनहुन्ना, और उस्मान रजी अल्लाह तआला उन्होंने जो है ना सब सब में से कुछ अक्साम के रखे। मिनहुन्ना शैअन इन अतत भी अतकत, और उनमें से जो आया उनके पास उनको आजाद भी किया। फकान अल माल यूजद इंद अल अजाइज वला यूजद इंद अल शवाब, और उनमें से माल जो था तो वो जवानों के पास था और नहीं बूढ़ों के पास था और जवानों के पास नहीं था। फरबह उस्मान मालन कसीरन, तो उस्मान रजी अल्लाह तआला ने उनको गिफ्ट्स दिए, उनको माल दिया। अकूल यहताजु इलल जमे, अब इस पे यहाँ पे जो लिखने वाले हैं उन्होंने भी रिक्वेस्ट किए कि इसको तत्बीक कर लो आपस में। अब इसका अगला सफा भी पढ़ेंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तीन किस्में बयान की हैं। अब वो जो मैं तीन की किस्म को बता बता रहा था आपको कि औरतें औरतें जवान बूढ़िया, फिर औरतें मर्द, औरतें और बच्चे, ये तीन किस्मों पे, फिर उम्मे वलद, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म जारी फरमाया कि तुमने औरतों और बच्चों को अलहदा नहीं करना। अब ये हो क्यों रहा था सिनारियो, बस ये ऐड कर दूं उसके बाद माइक आपका। ऐसा ये सारा हो क्यों रहा था, क्योंकि भाई उन दिनों में जेल कॉन्सेप्ट नहीं था, जो जंग और जो सजाएं मुकैद होती थी, जो मगाजी होती थी, जो वॉर्स होती थी, उसमें से जो जो हार चुके होते थे उनको स्लेव बनाया जाता था ताकि उनको यूज किया जाए और उनको किसी काम पे लगाया जाए। ये इनके ऊपर आपस में अंडरस्टैंडिंग थी कि इफ वी लॉस्ट वी आर योर स्लेव्स, इफ यू लॉस्ट यू आर आवर स्लेव्स, दिस वाज अ म्यूचुअल कॉन्सेप्ट बिटवीन देम। सो दिस इज द थिंग, मैंने आपको बता दिया, इसके ऊपर कुछ ऐड करना है तो बताइए। मेरे जो उस्ताद मोहतरम थे उन्होंने मुझे एक बात हमेशा सिखाई है मोहतरम, उन्होंने सिखाई है लेट स्पीक फ्रंट ऑफ द फ्रंट पीपल ऑफ योर्स, क्योंकि अगर आपका जो अगेंस्ट पीपल है अगर वो होशियार है अगर वो आलिम है तो उसको ज्यादा से ज्यादा बात करने दो, तो जब आप ज्यादा से ज्यादा उसको बात करने देंगे तो वो कहीं ना कहीं एक गलती जरूर कर जाएगा जहां पर वो अपने ही खिलाफ बात कर जाएगा। यही अफसोस के साथ यही आपके साथ हुआ शेख उमर साहब, आपने बड़ी कोशिश की है ये साबित करने की वहां जवान और बूढ़ों से कि यहाँ पर मुराद लड़कियां नहीं है, यहाँ पर मुराद जो है कैदी है, सिर्फ यहाँ पर लड़कियों का तस्करा नहीं है। लेकिन जैसे आप आगे बढ़े बढ़ते गए आपके ही अल्फाज से आया उम्मे वलद औरतें और बच्चे, अब यहाँ पर जाहिरी तौर पर यह साबित हो जाता है कि उम्मे वलद एक आदमी तो नहीं हो सकता क्योंकि वो बच्चे पैदा नहीं करता, उम्मे वलद जाहिरी तौर पर एक महिला ही होती है जो बच्चे पैदा करती है। और फिर उसका अगला जो अल्फाज था औरतें और बच्चे, उन्होंने तो ये बिल्कुल पूरी तौर पर वाजे कर दिया कि उन कैदियों में औरतें भी मौजूद थी। और यही मैं आपको शुरू से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वहां पे तज़किरा जो चल रहा है वो
बांदियों का चला। हो सकता है उसमें मर्द भी कैदी हो, लेकिन जितना बनू कुरैजा की लड़ाई को हम पढ़ते हैं और समझते हैं, उससे हमें एक चीज तो बिल्कुल वाजे तौर पर मालूम होती है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर तमाम मर्दों को वहां पर कत्ल कर दिया गया था, और मर्द के नाम पर सिर्फ वो बच्चे बचे थे जिनको अभी तक ज़ेर नाफ नहीं आया था, यानी कि प्यूबिक हेयर नहीं आए थे। जिनको प्यूबिक हेयर आए थे उनको अलाहिदा करके अल्लाह के रसूल ने वही कत्ल करवा दिया था। एक भी बालिग मर्द उसमें मौजूद नहीं रहा था बनू कुरैज़ा के वाक्य में। इस पर भी आप और बहस कर सकते हैं मेरे साथ कि ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये भी सीरत रसूल अल्लाह इब्ने इशाक की किताब में मौजूद है, मैं वहीं से आपको बता रहा हूँ। लेकिन वो मेरा पॉइंट नहीं है, मेरा पॉइंट अब यहाँ पर है कि उम्मे गलत अगर मौजूद है तो औरतें कैदिया बांदिया लौंडिया उसके अंदर मौजूद हैं, और औरतों का जिक्र वाजी तौर पर वहां मौजूद है। तो ये आपकी बात का जवाब था जिसको आपने खुद साबित किया। शुक्रिया। मैं बात करूं, थैंक जी बिल्कुल। यू। अच्छा, मैं अभी इसको कंटिन्यू करता हूं। वो ये है कि देखिए आप, हेलो, प्लीज डोंट टॉक इन बिटवीन, प्लीज लेट अस डिस्कस दिस थिंग। ओके, मैं आपको ये बता रहा था कि मैंने इसको 100% कभी नहीं डिनाई किया कि देर वॉजेंट एनी वुमेन देयर। मैंने ये कहीं नहीं कहा, मैं इसका मुनकर नहीं हूं कि उसमें औरतें नहीं थी, लेकिन मैं ये कह रहा था कि वो मिक्स्ड थे कैदी सारे। उसमें से सिर्फ ये इंप्रेशन देना कि देवर ओनली 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 मेल्स और ओनली 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 फीमेल्स, दिस इज नॉट द केस देयर। वो थे, उसमें बांदियां भी थी, हमारे लिए मैटर ही नहीं करता ना उमर साहब, ये मैटर नहीं करता कि उसमें मर्द उसमें थे या नहीं बांदियां। थे। हमारा जी, मैं मैटर ये है कि अल्लाह के रसूल जो है वो कैदियों को बेच करके घोड़े और हथियार खरीद रहे थे जिनको उन्होंने मुसलमानों में तकसीम किया ताकि आगे जंगें लड़ी जा सकें। हाँ, अभी आप आए हैं ना असली एतराज के ऊपर, के ये है एतराज के इफ ह्यूमंस ह्यूमंस कैन बी सोल्ड विद विद फॉर दीज फॉर द सेक ऑफ दीज वेपन्स एंड एनिमल्स और नॉट। सो दिस इज द केस नाउ। अब आप जरा अगर इस एतराज पे आते हैं तो इसके ऊपर जरा आपने ये निगहदाश्त रखनी है कि मैंने आपको इशारा दिया क्या था कि ये एक म्यूचुअल रिवायत थी, ट्रेडिशन थी, कि ये सब चलता था, ये सब वहां पे चलता था कि भाई अब स्लेव बन गया, अब उनको जाहिर सी बातें रखना है या सेल करना है, क्या करना है, तो वो जो है बन रहा है। लेकिन माई माई बेस वॉज दैट इन इट सेल्फ दिस नरेशन इज अ वीक नरेशन, वी कांट रिलाई ऑन दिस। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब यह ज़ईफ़ रिवायत है तो मेरी बेस बहुत मजबूत है इसके ऊपर, कि सबसे पहले तो आपने इसकी नरेशन साबित करनी है, फिर उसके बाद इसके अंदर जो ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं उसको बाद में कैटर करेंगे आप। ओके मैं ये अब यहाँ समझे। पर एक सवाल, अब मैं बस एक सवाल करना चाहता हूँ, इनसे मेरी गुफ्तगू चल रही है बहुत अच्छी, 1 मिनट मुझे दे दें। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, आप यहाँ पर ट्रेडिशन का नाम लेकर के साफ निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो पहले से ही चलता आ रहा था। पहले से तो जनाब वहां के जो सहाबा इकराम थे वो शराब नोशी भी करते थे, वो औरतों को बच्चों को कत्ल भी कर देते थे, जिंदा बच्चों को दरगोर भी करते थे, ये भी ट्रेडिशन चला आ रहा था। जब अल्लाह के रसूल ने आकर के शराब को हराम करार दे दिया, बच्चों के कत्ल को नाजायज करार दे दिया, जो बच्चों को जिंदा दफनाते थे दरगोर करते थे उसको नाजायज करार दे दिया, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये ट्रेडिशन जो है वो ह्यूमन को, चले मैं यहाँ पे लड़कियां भी छोड़ देता हूँ, मैं ह्यूमन लेता हूँ, ह्यूमन को गुलाम बनाना, उसको बेचना, उसको और उसमें से जो महिलाएं हैं उनको एज अ सेक्स स्लेव इस्तेमाल करना, उनको जो है उनके साथ सेक्स करना और बच्चे पैदा करना, क्या ये किसी भी कॉन्कोबाइन की या फिर किसी भी एक कैदी की ये सजा हो सकती है, और क्या ये सजा आपके हिसाब से ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से आपको जायज लगती है, जो अल्लाह के रसूल ने इस कल्चर को खत्म ना करके इसको खुद भी फॉलो किया और इसको आगे बढ़ाया। You completed? जी मेरा सवाल कंप्लीट हो गया, जवाब दे प्लीज। Okay. अब आप सुनिए, वो ये है कि देखिए, अब इतनी बड़ी तादाद, जंगें चल रही हैं, वॉर्स हो रहे हैं, और उसके अंदर अब जब इतने ज्यादा स्लेव्स बन रहे हैं, बंदे कत्ल किए जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर, और उन्होंने बगावत की थी जिसके जिसके इसकी पादाश में उनके ऊपर ये सजा,
दी गई थी कि उनके ऊपर जंग मुसल्लत की गई थी। अब उसमें से जब इतने ज्यादा उनको नुकसान हुआ है, अब वो बेसरो सामान हो चुके हैं उस वर्ष वॉर के बाद, कि अब उसमें से जितने से ज्यादा स्लेव्स निकले हैं, अब उनको कहाँ किया जाए? अब ये ह्यूमन ट्रेड है कि उनको जंगलों में छोड़ दिया जाए मरने के लिए, या फिर उनके तबाहशुदा बस्तियों में, अगरचे इस्लाम में दरख्तों को, घरों को, औरतों को, बच्चों को मारने की इजाजत नहीं है, तो उनको सेफ कीप करने के लिए, बूढ़ों को इनको लाने के लिए, जब वो वेंडलाइज तो हो गए, वो डिस्ट्रक्ट तो हो गए, अब उनको सेफ कीपिंग के लिए जेल कॉन्सेप्ट तो है नहीं। अब जबकि उनको भी पता है कि इफ वी लॉस्ट वी आर गोइंग टू बी मेड एंड ट्रीटेड एज स्लेव्स, वी विल नॉट बी फ्री एनी मोर। तो जब उनको भी पता है, जब अगर उस जंग में मुसलमान हार जाते और उस में उनके यहां से जो है, जो अगर मुसलमान हार जाते तो मुसलमानों के साथ भी यही हशर होने वाला था, तो वो वहां की ये म्यूचुअल ट्रेडिशन चल रही थी, जिसको जो है ना स्लोली आके खुलफाए राशिदीन में से उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इसको बिल्कुल ही वहां पे खत्म कर दिया था कि माओ ने इंसानों को आजाद जना है, तुम क्यों कैदी बनाते हो, फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता करके ये खत्म करने के स्टेप्स चढ़ते चले गए। और दूसरी बात, मेरी आखिरी आर्गुमेंट है समीर साहब, प्लीज डोंट स्पीक इन मिडिल, हु इज स्पीकिंग, मोहम्मद साहब, ओके मोहम्मद साहब प्लीज आप थोड़ा सा माइक बंद कीजिए ना। अच्छा मोहम्मद साहब, अल्लाह आपको जजाए खैर दे, बाद में बात करते रहिएगा, मेरे पास वक्त थोड़ा है, मेरे पास इशा का वक्त हो जाएगा, फिर मैं निकल जाऊंगा, फिर मैं कल आऊंगा। नहीं वैसे मैं बताऊं समीर साहब, ये बहस वहीं खत्म हो गई, नहीं ये बहस वहीं पे खत्म हो गई जब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो लौंडियों को, गुलामों को बेचते थे और हथियार लेते थे। आपका स्टैंड ये था कि नहीं लेते थे, ऐसा नहीं है, ये गलत ज़ईफ हदीस है। बहस यहीं खत्म हो गई। मोहम्मद साहब सुने, असल में इन्होंने हमारी मोहतरम एक्सेप्ट किया इन्होंने यहाँ पे कि एक बात और इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि बच्चे और औरत को छोड़ के सबको कत्ल किया गया, यानी बचे ही वहां पे छोटे बच्चे जो गोद में हैं, और आइदर लेडीज बची, वुमेन बची, उन्हीं का तो ट्रेड हुआ। फिर आगे अभी ये रुकेंगे तो हम इनको ये भी प्रूफ करेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इजाजत दी कि बच्चे और औरतें भी मरते हैं तो मर जाने दो, और दरख्तों को भी जलाया गया। अपना समीर साहब ये सूरह नूर आयत नंबर 33 आप लगा सकते हैं, सूरह नूर आयत नंबर 33 प्लीज, मैं मेरे टाइम में ना बोले ना फिलहाल मोहम्मद साहब, बाद में अगर आपने मुझसे, मैं कुरान की एक आयत लगाना चाह रहा हूँ सूरह नूर आयत नंबर 33 में, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लौंडियों को प्रोस्टिट्यूशन। मोहम्मद साहब सुने, वो सूरह नूर की 33 भी लेके आते हैं, कुछ चंदे की इन्होंने बातें की है उस पर मैं इनको रिस्पॉन्ड देना चाहता हूँ, उसके बाद जो आप आयत कह रहे हैं मैं वो ले आऊंगा। सर बेशक बेशक, समीर नहीं समीर साहब, थ्री वर्सेस वन मत करें ना, एक ही बंदा मेरे साथ समीर साहब अच्छे से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो उसको चलते चलने दीजिए, एक एक ही कर रहा है आपके साथ में, और वाजिब क्वेश्चन तो रेज हो सकता है, आप ओपन रहिए ना, समीर साहब को ऐड करवाएं ना, वो समीर साहब को ऐड करवाएं, मुझसे पूछ लेंगे। जी जी, वो मुझे ये ऐड कर रहे हैं, आपसे नहीं कह रहे। खैर, अब उमर साहब, मैं ये कह रहा था आपसे, आपकी बात कंप्लीट हो गई हो तो मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ। मैंने दरमियान में बोल दिया था, मैं सिर्फ एक चीज ऐड करूंगा और उसके बाद माइक आपके पास है, फिर मैं आपको सुनूंगा, फिर आपको जवाब दूंगा, उसके बाद मेरी आखिरी टाइम होगी, मैं निकल जाऊंगा, फिर कल आऊंगा, फिर आप उसकी वो एक बात मैं भी समीर साहब से करना चाहूंगा आपके बाद, एक बात सिर्फ आप करते रहिएगा, मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि फिर मैं कल आऊंगा, फिर मुझसे जितने ने बात करनी है वो समीर साहब के पास पॉइंट लिखवा दें। जी चले, आप जल्दी से बात कंप्लीट करें, फिर मैं अपना पॉइंट आपके पास, दो पॉइंट यहाँ पे ऐड करवाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस नरेशन इज वीक, ओके, ये ज़ईफ रिवायत है। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि भाई ये जो है, अब वहां पे जेल कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां पे जब स्लेव्स निकलेंगे, ठीक है, उसमें से माजूर, बूढ़े और औरतों को छोड़ के, दरख्तों को छोड़ के, ठीक है, अगर जहां पे आपको एतराज हो के दरख्त और बिल्डिंग्स गिराई गई हैं, तो वो आप मुझे रिवायत ले आइएगा, उसका भी इसी तरीके से जो है ना हम जिरह ले आएंगे, उसका भी ऑपरेशन ले आएंगे, इफ दैट इज गुड नरेशन और नॉट, ठीक है, उसको देख लेंगे कि ऑथेंटिक है भी कि नहीं है, तो उसको बाद में देख लेंगे। आज मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ ये कह के कि सबसे पहले आपने उस रिवायत को देखना है, उसकी कोई और तुरुक, कोई और सनद मिलती है आपको तो वो ले आइए, वरना ये आपकी जो दलील है ये जाया गई, क्योंकि ये ज़ईफ रिवायत है। दूसरी बात ये है, आपके ही पॉइंट पे अब मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ, आपने अपनी बात रख ली है, जी आपने अपनी ओर से ये पूरी तरीके से जो है मान लिया है कि ये रिवायत जो है वो ज़ईफ है,
क्योंकि आप जो सनद पढ़ रहे हैं, जो आप नरेशन पढ़ रहे हैं, चैन ऑफ नरेशन जो आप पढ़ रहे हैं, वो आपके मुताबिक जो है ज़ईफ़ है, मुनक़ता है, मजरूह है, तो इसलिए आपने ये तय कर लिया है। हालांकि अभी तक मेरी तरफ से इसके ऊपर रिसर्च आना बाकी है, जब तक वो नहीं आएगी और मैं कंफर्म नहीं करूंगा ये ऐसा ही है, तब तक हम इस चीज को जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो ये दलील अभी बाकी रही। अब जो आपने बात करी है, जब तक ये साबित नहीं होता तब तक के लिए ये मेरे लिए जो है वो बहस का मुद्दा है और बनी रहेगी। तो मैं अब इस पर कुछ बातें आपके साथ करना चाहता हूँ जो आपने कही है। चले फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आपकी बात हम ये मान लें कि उस वक्त जो है वो तबाह बर्बाद हो गए जिनके साथ जंग की गई और जिनके ऊपर जो है वार आ गई, और उनको अब जो है ना ऐसे बेसहारा नहीं छोड़ा जा सकता, लिहाजा उनको गुलाम बनाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तो अगर और जेलें नहीं है ताकि उनको जेल में बंद कर दिया जाए, तो उनको गुलाम बना करके काम में लगाया जाए। तो यहाँ पर मेरा बहुत सीधा सा आपसे सवाल ये आता है, फिर भी कतन ये चीज कतन जायज नहीं करार दी जा सकती कि जिनको आपने गुलाम बनाया है उनके साथ आप रेप करें, सेक्सुअल इंटरकोर्स करें, ये कतई भी जायज नहीं हो सकती चीज, जो कि आपके रसूल अल्लाह और आपके सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से साबित है कि उन्होंने ऐसा किया है। क्योंकि अगर आपने वार बूटी के तौर पर, माले गनीमत के तौर पर अगर कुछ कैदी कब्जे में लिए भी हैं, तो ठीक है आपने उनको कैदी बना लिया, यहाँ तक कोई मसला नहीं है। अब आप उन कैदियों को किसी काम धंधे में लगा लें, अपने घर का काम करा लें, या आप किसी बिजनेस में उनको लगा दें, उनसे कोई मेहनताना करवा लें, कोई खेती करवा ले, ये चीजें समझ में आती है। लेकिन आप उनको एज अ सेक्स डॉल ट्रीट करते हैं उन महिलाओं को, और फिर जब आपका दिल भर जाए तो उनको मार्केट में ले जा करके बेच भी सकते हैं, तो ये तो पूरी तरीके से एक इनह्यूमन चीज रही। आप लाख कोशिशें करके भी इस चीज को कतन जायज नहीं साबित कर सकते, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी के भी खिलाफ है ये, लोगों के जो अधिकार हैं उनके भी खिलाफ है, और ये किसी भी तरीके से जायज नहीं होती। अगर आप इसको जायज साबित कर सकते हैं तो उसकी कोशिश जरूर कीजिएगा कि क्यों एक गुलाम को, एक कैदी को या एक बंदी को गुलाम बनने के बाद उसको सेक्सुअली हैरेस करना या ट्रीट करना ही सबसे अच्छा तरीका है। दूसरी बात, आपने इस पर ये बात करी है कि बाद में जब उमर की खिलाफत आई तो उन्होंने इस चीज को पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी है, ये मेरे हिसाब से एक ब्लंडर था आपका। क्योंकि इस तरह की हदीस पहली बात तो मेरी नजरों से नहीं गुजरी है या रिवायत इस पर उमर ने पाबंदी लगाई हो किसी को गुलाम बनाने की, अगर होगी तो वो पेश कीजिएगा, उस पर भी मैं रिसर्च करूंगा। और दूसरी बात ये है कि कतन किसी भी सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला अन्हु को ये हक ही नहीं है कि वो एक ऐसा फैसला सादिर करे जो कि अल्लाह के रसूल ने अपनी हयात जिंदगी में नहीं किया है। जिस काम को अल्लाह के रसूल ने नहीं किया है उसको करने वाले उमर नहीं हो सकते इस्लाम में, लेकिन फिर भी बहुत सारे फैसले हमको उमर के नजर आते हैं, उनकी हयात के मौके पर भी, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के दौरान भी और उनके बाद भी, वो एक अलग बहस है, उस पर फिर कर लेंगे बात। मगर आपने मुझे ये जो रिवायत है वो लाजमन पेश करनी है कि उमर ने कहाँ इसको मनसूख किया था या बंद किया था, और अगर उन्होंने इसको बंद कर दिया था तो उनके बाद भी, उमर के बाद भी जब अली का दौर आया और अली का दौर गुजर जाने के बाद जबकि खिलाफत के लिए जंग हुई यजीद और हसन और हुसैन के दरमियान, और हसन को जो है जहर दे करके मारा गया, तो उस दौरान उनके पास खुद 300 से जायद बांदिया थी हसन के पास, ये भी आपके रिवायतों के अंदर आपको मिलेगा कि 300 से जायद बांदिया खुद अकेले हसन के पास थी। तो अगर ये ट्रेडिशन उमर ने खत्म किया तो हसन के पास ये बांदिया क्या कर रही थी और कैसे किस हिसाब से थी। और आपने ये कहा है कि ये उन लोगों का आपस का ट्रेडिशन था कि भाई अगर आप हारे, आप जंग में आए और आप हारे तो आपको गुलाम कैदी बनाया ही जाएगा, तो ये उसूल उस जंग पर लागू क्यों नहीं किया जो जंग हजरत अली रजी अल्लाह ताला अनहु और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अनहु के दरमियान हुई। जब आयशा हारी तो आयशा को हजरत अली ने अपने गुलाम, कंकुबाइन, लौंडी क्यों नहीं बनाया उसूल के मुताबिक, तो ये जायज था कि वो बना लेते। अब यजीद का मामला जब आता है, यजीद ने जब हुसैन को कत्ल कर दिया, उसकी तमाम आल को कत्ल कर दिया,
और उनकी बीवियां और बच्चे यजीद के सामने पेश किए गए, जिसको आप लोग लानती कहते हैं, बुरा कहते हैं, काफिर कहते हैं, यहूद की औलाद कहते हैं, उसने भी उन महिलाओं को अपनी गुलाम, लौंडी, कैदी, सेक्स स्लेव नहीं बनाया, बल्कि उसने उनको मदीना मुनव्वरा वापस कर दिया उनके हमराह अपना एक साथी करके। और जब वो वहां पहुंची तो उन्होंने ये कहा कि तुम्हारा हुस्ने सुलूक इतना अच्छा था हमारे साथ पूरे सफर के दरमियान कि हम इससे बहुत ज्यादा मुतासिर हुए और अपने जेवर उतार कर उस राहगीर को दिए, प्लीज इस पर भी रोशनी डालें। ओके अब आपने माइक म्यूट कर लिया, ठीक है, मैंने आपको सुना। अब मेरे ऊपर जो जब मैं आपको ये जवाब दे रहा हूँ तो आपने या किसी भी साथी ने इंटरप्ट नहीं करना प्लीज, जैसे कि हमारे गुफ्तगू वैसे ही बहुत अच्छी चल रही है। तो अब इसके ऊपर अब सबसे पहले तो मेरा आर्ग्यूमेंट, आपके क्रॉस आर्ग्यूमेंट मेरा ये है कि आपने जब कहा कि उन लोंडियों को जब लाया गया जब, तो उनके साथ तुम जबरदस्ती कैसे कर सकते हो, उनको सेक्स ट्रेड कैसे कर सकते हो, उनको आप सेक्स डॉल्स कैसे बना सकते हो, ये सब आपके इल्जाम आते हैं, ठीक है। देवर नॉट सेक्स डॉल्स, ओके। जब वो एक आका, एक मास्टर के मातहत आती हैं तो वो ही उसके साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट कर सकता है, रिलेशन बना सकता है, तो उसके दरमियान वो शेयरिंग नहीं करता। इसका सबूत आपके पास कोई नहीं है कि वो शेयरिंग करता था या वो गैंग बैंग्स चलती थी इसके ऊपर, इसका सबूत आपके पास किसी रिवायत में नहीं है। उनके हुकूक थे कि अगर वो बांदी जो है, अगर वो बांदी आका को पैसे दे के आज़ादी चाहती तो वो ले सकती थी, और अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती, बच्चा पैदा कर देती, जन्म देती बच्चा, तो फिर जो है मोहम्मद साहब आपको जितनी तकलीफ है अपने पास रखिए, ये बात मैं आपको ऐड करवा दीजिए। आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप अभी मेरे सवाल से अलग जा रहे हैं। मैंने आपके यहाँ नहीं बोला, नहीं ज्यादा कर रहे हैं आप, नहीं करेंगे, नहीं माइक बंद करें। मैंने ये बात कही नहीं आपको कि आप उसको जो है ना शेयर कर रहे थे या दूसरों को दे रहे थे, ये आपने इल्जाम मेरे पर गलत लगाया है। मेरा सवाल आपसे यही है कि उसको सेक्स स्लेव के तौर पर इस्तेमाल करना किस तरीके से जायज है, चाहे वो एक कर रहा है या आधा कर रहा है, मेरा सवाल ये है, इसको साबित करें प्लीज। हाँ तो अब मेरा जो क्रॉस आर्ग्यूमेंट था, आने से पहले ही वो जरा ये जो कर रहे थे ना, तो उसकी वजह से डिस्टर्ब हो गई बात। अब मैं इसके ऊपर बताता हूँ कि आप ये साबित कर सकते हैं कि जिसका जंग में शोहर मर गया, खाविंद मर गया, हस्बैंड मर गया, उसका पति, उसका वर मर गया, तो अब उसकी क्या सेक्सुअल डिजायर्स औरत की खत्म हो जाएंगी? जाहिर सी बात है, अब वो किसी किसी के यहाँ वो गई है, कोई इसका मास्टर बना है, तो वो ही तो उसके साथ रिलेशन कायम करेगा, वरना फिर वो कहाँ जाए, मुझे बताइए ना फिर आप। हाँ दूसरा ये था कि आपको ऐसा भी सबूत मिलेगा कि गुलामों की आपस में शादियां भी हुई हैं, गुलामों की आपस में शादियां भी हुई हैं, लेकिन लेकिन जो मास्टर है, जो मास्टर है वो उसने उसको खरीदा भी हुआ है, उसके हुकूक भी अदा कर रहा है, और उसको ये म्यूचुअल था ना, अंडरस्टैंडिंग थी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई अगर मुसलमान भी हार जाते तो उनकी औरतों के साथ भी यही हशर होना था, अब उनके साथ ये हशर हो रहा है तब आपको प्रॉब्लम है, वरना अगर ये वाइस वर्सा होता तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट नाउ के उमर का डिसीजन रसूलुल्लाह के खिलाफ जा रहा था तो वो कैसे गया और उनको क्या इख्तियार था कि वो रसूलुल्लाह के खिलाफ करें? भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा दिया कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नत खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, खुलफाए राशिदीन को भी का भी डिसीजन आपने लेना है, मेरी सुन्नत पे भी चलना है और खुलफाए राशिदीन का भी का डिसीजन भी आपने लेना है, आपने मानना है। तो ये आपकी दलील टूट गई। दूसरा ये है कि अभी आपने एक और रेफरेंस इसके ऊपर ऐड किया था, विदाउट आपने स्टेटमेंट ऐड किया था जिसका आपने रेफरेंस देना भूल गए आप, वो ये था कि आपने कहा कि 300 विमेंस वर अंडर द स्लेवरी ऑफ हसन रजी अल्लाह ताला अनु, नाउ रेफरेंस एंड अ नरेशन इज अपॉन यू, यू हैव टू प्रेजेंट दिस नरेशन एंड वी विल
inshallah operate that, and then we see, we will see that it's a weak narration or a strong narration or what. Iske baad, haan, aapki aakhri daleel ye thi ke Aisha radhiyallahu ta'ala anhu aur Ali radhiyallahu ta'ala mein jo jang hui thi uske andar jo hai aapki jo 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 aapas mein fight hui thi uske mutabik वो क्यों फिर जो है ना उनको बांदी नहीं बनाया गया था? अरे भाई अगर वही तो इख्तियार, अगर नहीं बनाया तो अपने सवाबदीत पे आजाद कर दिया, उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? मतलब कोई जबरदस्ती है क्या क्या? बस आप अगर वो जंग जीत गए अली रजी अल्लाह तआला, उन्होंने कहा कि जाइए वापस, मेरा इख्तियार है, तो उन्होंने अपना इख्तियार यूज किया, आपको क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर? जरूरी फर्ज वाजिब थोड़ी है क्योंकि बनाना है, रूल इज रूल, यस रूल इज रूल, के आजाद करने का भी हक है, तो हो गया ना, उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल कर लिया। माइक इज ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। आपने अपनी बात करते हुए अभी यहाँ पर दो बातें की हैं, मैं पहले आपको उनका रेस्पॉन्ड देना चाहूंगा। आपने ये कहा है अपनी बात में कि जिन औरतों के शौहर मारे गए, अब उनकी भी तो सेक्सुअल डिजायर है, उनको भी तो कुछ चाहिए ना, तो उनको ऐसे कैसे छोड़ देंगे? तो उनकी सेक्सुअल डिजायर इस तरीके से पूरी की जाएगी? मैं आपको साबित करने लगा हूं कि ये मामला सिर्फ उन औरतों के साथ नहीं है जिनके शौहर मारे गए हैं, बल्कि ये मामला उन औरतों के साथ है जिनके शोहर अभी जिंदा हैं। आपके सामने कुरान की आयत नंबर सूरह निसा की आयत नंबर 24 है, वल महसिनात मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताब अल्लाह अलैकुम। ये आयत कहती है कि और हराम कर दी गई है तुम पर शोहर वाली औरतें, लेकिन जो तुम्हारी मलकल यमीन बन जाएं, यानी कि जो तुम्हारी गुलाम बन जाएं, जंग में तुम्हारे हाथ आ जाएं शोहर वाली औरतें, वो तुम्हारे लिए जायज है। आगे अल्लाह इस पर सिर्फ यही नहीं कहता कि जायज है, बल्कि ये भी कहता है तुम पर ये अल्लाह का लिखा हुआ फरीजा है, यानी कि ये फर्ज है, और इससे आप बच ही नहीं सकते, चाहे उनके शोहर भी जिंदा हो तब भी आप उनको एज अ सेक्सुअल स्लेव इस्तेमाल करेंगे। इसकी वजाहत करने के लिए मैं आपके सामने पेश किए देता हूं तफसीर तिबरी 4:24, जो कि अरबी में है, आप बेहतर तरीके से उसको पढ़ पाएंगे क्योंकि आप अरबी के जानकार हैं। ये वही आयत है, आयत नंबर 24 सूरह निसा। यहां से तिबरी साहब इसकी एक्सप्लेनेशन लिखते हुए ये बताते हैं कि ये उन औरतों के मुतालिक है जो जंग में कैदी बनाई गई और उनके मुशरिक शोहर भी उनके साथ मौजूद थे, तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके साथ जिमा करने से हिचक रहे थे, तब अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई, वल मुहसिनात मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम, यानी के तुम्हारे लिए ये शोहर वाली औरतें भी जायज हैं जबकि ये तुम्हारे हाथ आ जाए लौंडियों के तौर पर। तो आपका ये क्लेम यहाँ खत्म हो जाता है। स्क्रीन आपके सामने ये रही सर, माइक इज योर सर। जी ये शेयर कीजिएगा, मैं इसकी जो है ना सनत में चेक करके आ जाऊंगा। बाकी अब आयत के ऊपर वल मुहसनात, मुहसनात के अंदर ये अब जो है हुक्म आज के जमाने में मंसूख है, उस वक्त तक था ठीक है, अलाउड था, वी एग्री ऑन दैट, वी नेवर डिनाइड, वी मुस्लिम नेवर डिनाइड दैट दिस वाज इट द थिंग, लेकिन अब ये मंसूख है और ये उस जमाने तक महदूद था। वल मुहसनात भी जायज थी उस वक्त, क्योंकि इसका बेसिक वजह यह है कि मैं आपको जो पहले से आपकी पिछले टर्म में भी मैंने आपको बताया था कि ये म्यूचुअल कॉन्सेप्ट था कि आप जंग हार गए, कैदी बन गए, आपके साथ ये सुलूक होना है। मोहम्मद साहब प्लीज रिफ्रेन योर सेल्फ। अब आप ये, मैं आपको बोल रहा हूं कि ये मुआहिदा था उस वक्त, ये चलन था, उसको बाद में स्लोली ग्रेजुअली, जैसे मैंने आपको उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु वाला रिवायत दी थी, उसका मैंने आपने मुझसे हवाला मांगा है, तो मैं वो हवाला कल लेके आ जाऊंगा। अब मैं 5-3 मिनट और लूंगा, फिर मैंने अपना माइक छोड़ के फिर मैंने कल आने का वादा करना है इंशाअल्लाह तआला, और फिर मेरी कोई मसरूफियात भी हैं, तो इसमें अगर एक आध दिन का नागा हो जाए तो बुरा मत मनाइएगा, और ना ही पीछे अब क्या सराइयाँ शुरू कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आता रहूंगा, कल भी आया था, और इंशाल्लाह इसी तरीके से चलता रहेगा। मैं आपको, हाँ जो आपके जिम्मे काम है वो आप करके आइए कल,
और मेरे जो जिम्मे काम है वो मैं आज और कल इंशाल्लाह सर अंजाम दे के हो सका तो यही टाइम हमारा मुकर्रर रहेगा। तो द बेसिक थिंग इज दैट के वो जो कॉन्ट्रैक्ट था, वो जो ट्रेडिशन थी, उसी के मुताबिक इसको चलने दिया गया था और उसको बाद में ख़त्म किया गया। ये मेरा आखिरी आर्ग्यूमेंट था। इसके बाद मैं माइक भी छोड़ता हूँ और मैं ऑफ भी हो जाऊँगा आपकी बात सुनने के बाद, फिर मैं कल आऊँगा। ठीक है जी, मैं आपको अभी आपकी याद दिहानी के लिए एक बात मैं आपको अभी बयान कर देता हूँ कि अभी चंद मिनट पहले ये आप जो बात कर रहे थे, ये उन वुमन के बारे में बात कर रहे थे जो कि कैदी बनाई गई, और आपने वहां पर ये दावा किया था उन वुमन के बारे में बात करते हुए कि जिन वुमन के शौहर मारे गए, अब उनकी डिजायर का क्या? तो ये उन्हीं के बारे में आयतें आई हैं कि जिनके शौहर जिंदा थे वो भी जायज थी। अब आपने इसको कर दिया मनसूख, तो जाहिर सी बात है कि ये उस वक्त तो मनसूख नहीं थी, तो उस वक्त का जो दावा था आपका वो गलत साबित हुआ यहाँ पर, कि ये उन लोगों के लिए था जिनके शोहर मारे गए, यही मैंने साबित करना था। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि मनसूख कर दी गई, तो शायद आपने मेरी वो बात ध्यान से नहीं सुनी जिसको मैंने पढ़ा था, और मैंने ये कहा था कि इसमें अल्लाह ये कह रहा है कि ये अल्लाह का लिखा हुआ फरीजा है तुम पर, और आपको ये मालूम होना ही चाहिए और होगा। मुझे उम्मीद है आपके इल्म से कि जो आप बात कर रहे हो फर्ज की, जो कि अल्लाह की तरफ से है, तो उसको कोई इंसान, कोई नबी या फिर कोई खलीफा उसको मनसूख नहीं कर सकता, जो अल्लाह की तरफ से फर्ज है। ये तुम पर अल्लाह का लिखा हुआ फरीजा है, तो जाहिरी बात है अल्लाह का फरीजा सिर्फ अल्लाह ही मनसूख कर सकता है। मुझे आपने वो आयत पेश करनी है जिसमें अल्लाह ने इस आयत को मनसूख करने के लिए कोई दूसरी आयत भेजी, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ही मनसूख कर पाएगा। अगर ऐसी आयत आप मुझे पेश कर देते हैं, मैं मान लूंगा कि ये आयत मनसूख हो चुकी है। माइक इज योर सर। देखिए, मैंने आपको यही बताया था कि इस आयत के अंदर पहले तो ये फरीजा से मुराद वो फरीजा नहीं है कि जैसे अरकान होते हैं मजहब के, कि आपने लाजमी ही करना है, जैसे कि आपके सामने जो आपने रिवायत दी थी वो सीरत हल्बिया में से, उसी में से मैंने इबारत पढ़ के दे दी थी आपको कि उस्मान रजी अल्लाह तआला ने आजाद भी किया और उनको गिफ्ट्स भी दिए, उनकी मदद भी की। यहाँ से ये पता चलता है कि फरीजा का माना क्या है, कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम। ठीक है, ये है फरीजा। अब ये है कि अब मैं अपने टर्म यहाँ ख़त्म करके मैं आगे कल फिर आपसे मिलने आऊँगा इंशाल्लाह। आपको अल्लाह सलामत रखे, सब इंसान भाइयों को। डिस्कशन ऐसे ही इल्मी रहेगी इंशाल्लाह हमारी। अच्छा, अब मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि इसके ऊपर अब आपके ज़िम्मे कुछ काम लग गए, मेरे ज़िम्मे कुछ काम लग गए, वो मैं करके लाऊँगा। आपके ज़िम्मे ये है कि आपको मैं वो व्हाट्सएप कर रहा हूँ नरेशन, जो उसकी चेन ऑफ नरेशन है, उसको आप चेक कीजिए कि आपके पास इसके अलावा कोई नरेशन है तो वो लाइए। और मेरे ऊपर ये है कि मैं जो हूँ, हाँ, ये जो उमर रजी अल्लाह तआला वाली नरेशन है वो मैं ले आऊँगा कल इंशाल्लाह। और दूसरा ये है कि हसन रजी अल्लाह तआला की 300 बांदियाँ थी, वो आपने कल आपने रवायत लाजमी लानी है। ठीक है, वो मैं पेश कर दूंगा और मजीद और भी पेश कर दूंगा कि उमर के बाद लाजमी लाइएगा। हाँ, वो सिद्धार्थ भाई, वो सनद लाजमी लाइएगा, काम लंबा हो जाता है। सुनिए सुनिए, इससे भी ज्यादा मजीद आपको एक और चीज लेकर के आनी है कल, कि आपने मुझे वो आयत दिखानी है जो 4:24 को मनसूख करती है कुरान से। ये आपके जिम्मे है। देखिए, वो मैंने ये आपसे अर्ज किया कि ट्रेडिशनली आज के जमाने में प्रैक्टिस नहीं हो रहा ये, तो इसलिए जनाब मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, नो स्लेव्स इन दीस टाइम्स, सो हाउ कैन वी प्रैक्टिस दिस? दिस इज द सिंपल आर्गुमेंट। मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ अभी इस स्ट्रीम पर इतने लोगों के सामने कि आप ताकयामत तक मुझे ये साबित कर दें तो स्लेवरी का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। कोई भी रेफरेंस आप लेकर के आइएगा, और अगर खत्म कर दिया है तो मैं आपको ये भी साबित कर दूंगा कि 1980 तक अरेबिक पेंसिल्वेनिया के अंदर गुलामी का कल्चर था और वो लोडियों को खरीद और बेच रहे थे, और आज भी ऐसे एप्लीकेशन एंड्रॉइड पर मौजूद है सऊदी अरेबिया, कुवैत और दुबई के अंदर, जहां पर ये सेक्स स्लेव आज भी धड़ल्ले से एप्लीकेशन के थ्रू बेचे और खरीदे जाते हैं। स्लेवरी का
जो कॉन्सेप्ट है ना तो वो कल खत्म था, ना वो बीच में खत्म था, ना वो आज खत्म है, और ना वो कयामत तक खत्म रहेगा, क्योंकि कुरान कयामत तक के लिए है। जब तक आप मुझे साबित नहीं करते कि 4 की 24 को मंसूख कर दिया गया है, ये आपके जिम्मे रहा। नहीं, मेरा आर्ग्यूमेंट इसके ऊपर मैं लास्ट देके जा रहा हूँ, वो ये है कि अब ये प्रैक्टिस नहीं हो रहा। इजमाए उम्मत भी है इसके ऊपर कि अब गुलाम बांदी का कॉन्सेप्ट नहीं रहा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर भी ये दाखिल है, सारी नेशंस का आपस में मुआहिदा है कि कोई भी जो है ना स्लेवरी नहीं है, तो वो अब प्रैक्टिस नहीं हो सकता। अगर कोई वो इंडिविजुअल इसलिए कर प्रैक्टिस रहा नहीं है, हो रहा है, प्लीज डोंट ऐड मी, वो इसलिए। देखिए बाद में ऐड कर दीजिएगा। देखिए मैं आपसे ये कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस नहीं हो रहा और इजमाई उम्मत हो चुका है, मंसूख कर दिया गया है इजमाई उम्मत के तौर पे। सारे फतावा सब उलमा के यही मौजूद हैं कि अब आप किसी को स्लेव नहीं बना सकते क्योंकि ये मंसूख हो चुका है। तो अब आप अगर कोई इंडिविजुअल इसको प्रैक्टिस करता है तो उसका वो जाती नजरिया, जाती गुनाह, जाती ख्याल है उसका, इसके ऊपर इस्लाम के ऊपर अब नहीं आता। हाँ, अगर आपने दोष सिर्फ इस्लाम को देना है इसके ऊपर, तो सारे मजाहब इसको प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। हिंदुइज्म ने भी प्रैक्टिस किया है इसको, क्रिश्चियंस ने भी प्रैक्टिस किया, ज्यूज ने भी किया, हर कौम ने किया है इसको, लेकिन अब म्यूचुअली इसको अगर खत्म किया गया है। हाँ, अब आप फिर कहते हैं कि कुरान की उस आयत को मनसूख करने के लिए एक और आयत दिखा दो, तो मैं ये कहता हूं कि मुझे उसकी कोई हाजत नहीं है। वजह यह है कि अब अगर वैसे ही सारी नेशंस इत्तेफाक कर लेती हैं कि अब जंगों में दोबारा जो है फिर स्लेवरी होगी, तो मैं उस आयत को अब भी नाफिजुल अमल मानूंगा, क्योंकि उसमें ही हिकमत है, वही खैर है। लेकिन अब नहीं है तो वी कॉन्ट प्रैक्टिस दैट, जस्ट दिस इज द थिंग एंड आई एम गोइंग नाउ। थैंक्स अलॉट, मेरा टाइम हो गया और मेरा क्लासेस का समीर, टाइम है, समीर मैं इनसे अब मैं बात कर कल ही आ सकता हूँ? पाऊंगा। नहीं, मेरे पास अजीब टाइम है नहीं यार, है, ये सॉरी। बहुत अजीब तरीके से यानी आप कि कर रहे इजमा जो है, वो कुरान की आयत को मनसूख कर सकता है समीर साहब। अभी ये जो मंसूख इराक की कर वार हुई सकता थी, नहीं नहीं एग्जैक्टली इराक की वार हुई थी, इन्होंने लौंडियां बनाया यजीदी औरतों को। अब अगर आप इजाजत दें तो मेरा टाइम हो चुका है, और मैं कल एक मिनट आने की सुनते इजाजत जाएं चाहता दो, सर हूँ। एक मिनट सुने, आपने कहा ना सॉरी उम्मुल सॉरी, मैं कल ही जवाब दूंगा, आप उम्मुल उनको ऐड करवा उम, दीजिए, हाँ जाते हैं उम्मुल चलो। वल्द को नहीं बेच सकते थे, जबकि जाबिर बिन तलान का रिवायत है, उन्होंने कहा कि हम वो हजूर उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि समीर वसल्लम के साहब दौर को ऐड में, करवा दें, कल वो नरेशन के हाँ साथ जो है ना, फिर हजूर मैं उसका सल्लल्लाहु जवाब दे अलैहि वसल्लम दूंगा के इंशाल्लाह। दौर ये भी में, उम्र आप भाई, सुने, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बच्चों वाली औरतों को भी बेचते थे। सूरह नूर में ये कहा, आपने कहा कि जिन औरतों को दे दिया जाता था मालिक को, वो दोस्तों को नहीं बांटते थे। सूरह नूर आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला कहता है, अपनी औरतों को पैसों सॉरी की मोहम्मद खातिर भाई, मैंने मजबूर ये मत कहीं दावा करो। नहीं किया, मैंने ये कहीं दावा नहीं किया, कहा आपने, कहा मैंने रिकॉर्डिंग हुई नहीं नहीं है। नहीं अच्छा रिकॉर्डिंग पीछे कर रिकॉर्डिंग लीजिएगा। नहीं, क्या, सुन ले सुन ले सुन ले, मैंने समीर ये साहब, कहा था कि बच्चे और माँ को अलग नहीं कर सकते, कल आऊंगा बेच कल बात करेंगे। देते थे, आपने कहा अरे नहीं, भाई नहीं, कैसे और वो बात रही औरतें यार आप बैंक नहीं तो, करते थे, आपने बैंक का इस्तेमाल किया कि ये नहीं कि एक दूसरे को देते थे, जबकि कुरान कहता है कि मजबूर नहीं करो पैसों की खातिर, और अगर करते हो तो अल्लाह ताला बहुत जो है वो रहीम और करीम है। समीर साहब अपने हाथ आगे कर दे, मैं हाथ चूम लूं उससे पहले कि कजाए इलाही से ऊपर चला जाऊं। वाह जनाब वाह, छा गए सर आप तो आज, अच्छा आपने पकड़ क्या लिया गए आपने समीर साहब, उनको पकड़ लिया है उनको। सर कल बुरी मिलेंगे तरीके और ये से जी, जरा इंशाल्लाह इंटरव्यू सर कराइएगा। बहुत जरूर बुरे बुरे आइएगा, आप जरूर लोग फंसे हैं, आपने नरेशन से जरूर साबित कर दिए आइएगा, हैं, अभी हम नरेशन लेकर साबित आते कर हैं दिए सबूत आपने। ठीक है, सर। कल ये आपसे अच्छा मिलेंगे। कौन अच्छा मनसुख क्या उमर साहब, सेक्सलेस का कौन मनसुख क्या, मुझे मजे की बात क्या लगी है यूनाइटेड ऐसे साहब, एक नेशन। मिनट देखिए। नहीं, इनसे मेरी बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है, तो मैं इनको जैसे बाइज्जत ही आए थे, बाइज्जत मैं इनको विदा करना चाहता हूँ। कोई मसला नहीं है, आपको इजाजत है, आप अगर बिल्कुल नहीं जाइए, समीर भाई, अगर आपने ये आइए वाला आप। काम करना है कि नारे नूरे लगाने यहाँ पे या फिर ऐसे अपने तरफ से करना है, तो भाई फिर तो मेरे मैं अपने कोई यहाँ से नारे नहीं लगा लगा लेता। रहे, सॉरी प्लीज। सॉरी सॉरी, देखिए नहीं, अभी अबे विक्टिम आपने अगर पार्ट, ये नहीं चीजें अभी करनी विक्टिम है, पार्ट हाँ को नहीं करे, नहीं सुने मेरी बात, अभी कोई विक्टिम भी, पार्ट को देखे थे मैंने नहीं आपके आप सामने। विक्ट्री कार्ड मत खेलें, मैंने क्या बड़ बोला, हमारी गुफ्तगु चलती रहेगी इसी तरीके से, इट्स नॉट गोइंग टू मेरी स्टॉप बात इट। सुन, क्रिश्चियन नहीं आपकी बात, सैयद भाई रुक जाए, सैयद भाई आप भी मुस्लिम हैं, आप भी उनके पाले में ही हैं, रुक जाए आप बात करेंगे, उनको नहीं लगेगा नहीं कि मैं बात करा रहा हूँ। खामोश, ओके ओके आप खामोश रहिए, ठीक है। देखिए मैं आपका बहुत ज्यादा ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ। चले जो भी आपके हमारे जो ख्यालात हैं वो अलग हैं, वो एक अलग चीज है, पर ये बड़ी अजीब बात थी उमर साहब, जो कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई कि कुरान की एक फरीजे को मनसूख करने के लिए आप जो है इजमाए उम्मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से गलत बात है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक सही ऑथेंटिक रिवायत, चाहे वो बुखारी की हो या मुस्लिम की हो, कुरान के बाद सबसे ज्यादा सही किताब अगर कोई मानी जाती है इस्लाम में, वो बुखारी को माना जाता है सुन्नी फिरके के अंदर। तो लेकिन उसके बाद भी वो बुखारी की सही ऑथेंटिक आयत भी कुरान की किसी आयत से अगर टकराती है तो
उसको मजरू माना जाएगा, वो नहीं अप्लाई की जाएगी। लेकिन आप इजमाई उम्मत का इस्तेमाल कर रहे हैं कुरान की आयत के खिलाफ, और फिर आप ये कह रहे हैं कि आज नेशंस जो है इस चीज को, लोगों को नहीं मानता, इसलिए वो एप्लीकेबल नहीं है। तो ये बड़ी ही मजाकिया खेज बात थी, क्योंकि मैं आपको 2 मिनट में साबित कर सकता हूं कि इस्लाम तो नेशन के कॉन्सेप्ट को ही नहीं मानता, वो तो सिर्फ उस उम्मा के कॉन्सेप्ट को मानता है। उसके लिए नेशन और उसके लोग कोई वैलिड नहीं है। वो इस्लाम खुद एक कानून है, दीन इस्लाम खुद साहब, एक इट इज कानून नॉट है। बीइंग प्रैक्टिस वेयर वी विल गो, वेयर वी विल बीइंग प्रैक्टिसेड, यू नो कहां बिकॉज प्रैक्टिस करें इसको। इट इज व्हेन नॉट एवर यू बीइंग गेट द प्रैक्टिसिंग, पावर, हाँ जब होगी इट तो इज फिर नॉट मैं इसको प्रैक्टिसिंग, मानता हूं। इट मैंने इज आपको यही कहा था, हाँ, तो दैट मैं आपको इज यही कहा था अगर नहीं है ना ये समीर आप साहब जिंदा, मन धन्यवाद, वेल डन वेल डन वेल डन। मैंने आपको यही कहा, मैंने अपनी टर्म में भी यही कहा था कि भाई ये म्यूचुअली प्रैक्टिस नहीं हो रहा नेशंस ओवर द नेशंस, इट इज बीइंग कैंसिल्ड, इट इज नॉट बीइंग प्रैक्टिस, सो वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग इट। अब एक बात और लास्ट में बिकॉज यू आपसे मैं गाइस कहना आर चाहता वीक नाउ। हूँ, सुने सुने मैं मोहम्मद साहब सुने, असल में ये प्रैक्टिस इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप अभी जो है ना वो पावर में नहीं है, और अभी इस्लामिक शरा जो है वो नाफिज नहीं है। जब शरा नाफिज होगी तो ये फॉलो की जाएगी। और दूसरी बात ये है सर, कि आपने जो अभी बात की है ना बड़े मजे वाली, मैं क्या ही, मुझे तो सच में अफसोस हो रहा है कि मैं अपना सर पीटू या क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या बोलूं मैं आपको। अरे भाई बहुत 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 परेशानी आएंगी आगे आगे आपको, अभी से क्यों परेशान हो रहे हैं, वो नरेशन से हवाले हैं सारे परेशान सर परेशान सारे आप अपने मुंह से मानेंगे इंशाल्लाह, सारी बातें आप यहीं पे परेशान में इजमा हो के रहा सामने हूँ, मानेंगे। अरे मोहम्मद साहब भाई एक मिनट, मैंने परेशान में आपको इसलिए ये हो रहा हूँ, लेकिन आपने नहीं ये दिख रहे हैं। कहा, सुने 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 उमर साहब एक मिनट, आपकी हाँ टर्न पूरी हो गई, मैं बात वो फिर आपसे इजाजत दूंगी। आपने ये कहा है कि उनको एक मालिक जो है सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल कर सकता था, उनको बेच नहीं सकता था, उनको शेयर नहीं कर सकता नेवर था। सेड दैट, मैं आप जब जब बेचेगा तब बेचेगा, अरे यू सेड भला दैट, भाई कैसे यू सेड दैट, भाई यू शेयर सेड दैट, नहीं दिस करेगा। इज रिकॉर्डेड, दिस कितनी इज जिंदगी रिकॉर्डेड, बना, मैंने कहा दिस इज सेल कर रिकॉर्डेड सकता है, ऑलरेडी, सेल कर सकता लुक है, एट शेयर दिस। नहीं अब कर आप मुझे सकता। देखिए, अब आप मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं ना, यू आर नाउ यू डूइंग, पूरा डिस्कशन बहुत अच्छा रहा, अब आप गड़बड़ कर रहे हैं रात में। लास्ट मेरी आर्गुमेंट है, मुझे रख, आपने इसी स्ट्रीम में रिकॉर्डेड में ये कहा कि वो शेयर नहीं कर सकता, उसको सेल नहीं कर सकता, वो अपने लिए इस्तेमाल करेगा। मैं आपको दावा करता हूं, आपको चैलेंज देता हूं फिर से, कि वो शेयर भी की जा सकती है, बेची भी जा सकती है, और इसके लिए आपके ही अपने सहाबा इकराम पैसे लेकर के उनके उनसे प्रोस्टिट्यूशन भी करवा रहे थे, जिसको अल्लाह ने, जो कि भाई ने बताया है सूरह नूर की आयत नंबर आयत के अंदर, उसका उसको मना किया है कि आप पैसे के लिए ये काम ना करो, और अगर करते हो तो अल्लाह बड़ा मेहरबान है। अब अल्लाह ये नहीं बताता कि अल्लाह मेहरबान उस प्रोस्टिट्यूशन करवाने वाले के ऊपर है या उस करने वाले के ऊपर है जिससे जिसके साथ ये काम किया जा रहा है, ये अलग अलग एक टॉपिक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज तो बिल्कुल वाजे तौर पर साबित है कि आप लोग मुंह पे झूठ बोलते हैं और फिर पलटी भी बड़ी जल्दी मारते हैं, अभी 4 बार पलटी आप मार गए। ये एनीवे बहुत बहुत ऑडियो मेरे शुक्रिया, पास भी मौजूद है, रिकॉर्डिंग मेरे पास भी मौजूद है, उसका ना करिए, कोई सुन मसला नहीं लीजिएगा है। मैंने भी सुन रिकॉर्ड की है, स्क्रीन शेयर भी मैंने कर ली है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी मैंने कर ली है, कोई मसला नहीं है। लीजिएगा। अच्छा उमर सर साहब ये यही एक है, सर सवाल का जवाब देते जाएं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई 40 के करीब गजवा और 60 के करीब सरिया किए थे, 100 के करीब उनके दौर में जंगें हुई थी, उनकी कौन सी बेटी बहू और सहाबा की बीवियों को गुलाम कॉन्किबाइन बनाया गया, लौंडी बनाया गया, क्योंकि अगर जंगे लेके हारे जा भी ना ये। अगर अगर लेके जाते हो जाता, लेकिन नहीं लेके हुआ ना। जाते थे, हर जंग में जाते थे, 100 जंगें लेके जाते थे, अपनी बीवी को साथ लेके जाते थे, एक खास बीवी को, आपके ख्याल ख्याल से से नहीं, एक आप मिनट, बताएं ना, आप आपको तो तो कहे थे मैं रवायत है ना सर, आपने आपसे कहा पूछ रवायत रहा है। हूं ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपसे सवाल कर रहा हूं, काउंटर काउंटर क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं कि भाई वो अगर अरे उन्होंने, ये एक काउंटर मिनट, करो ना भाई, पहले रिप्लाई करो फिर काउंटर क्वेश्चन करो, व्हाट द सेंस यार, मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि अगर फर्स्ट यू रिप्लाई देन यू कैन क्वेश्चन ब्रदर, डोंट कभी प्लीज। कभी क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन से भी होता है तो, चलें लेकिन करने दें करने दें, क्वेश्चन कर लेंगे, ये हर जगह फंसेंगे, ये कहीं नहीं भाग जा सकते बेचारा। तो मैंने बोलिए आपसे यही कहा ना कि भाई जब वहां पे सिर्फ मुसलमानों को ऐसी क्या पड़ी थी कि उस वक्त के लोगों ने एतराज नहीं किया कि ये हमारे लोगों को गुलाम बना रहे हैं और हम इनके लोगों को गुलाम नहीं बना रहे हैं, जहां उनको मौका आपने मिलता है तो उनको हो रहा है। इतराज करने के लिए छोड़ा ही नहीं, कत्ल कर दिया, बनू कुरैज़ा के 600 बंदों की गर्दनें उड़ा दी, ओ, औरतों को तीन सौ कत्ल तीन सौ किया, तीन सौ 13 ने इतने सारे हजारों को छह मूक मजबूर सौ कर दिया। छह सौ को गर्दनें उड़ाई एक कब दिन बात में, करेंगे,
ओके कल बात और करेंगे सफिया जिस जिसकी भाई जिस, मुसलमान सुने सुने अब नहीं आप ये तो जवाब दे देना सर उमर साहब स्टडी कर ले कि उस वक्त मुसलमान अकलियत में थे या अक्सरियत में थे उमर साहब आप ये बताए ना चले अकलियत में थे ना तो 100 के करीब जंगों 100 के करीब जंगें हुई किन किन औरतों को किन किन और किन किन औरतों को जो है वो किया गया आप ये बता देना प्लीज मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि अक्सरियत में अक्सरियत कैसे मजबूर कर गई यही तो जवाब है आपका क्या मतलब अक्सरियत कैसे अकलियत से मजबूर हो गई नहीं जंगे जब हारी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनकी कौन सी बीवी को लौंडी बनाया गया साहबा की कौन सी बेटी बहू को लौंडी बनाया गया बना लेते हैं ना अगर ताकत एक बार एक बात सुन ले मोहम्मद साहब अगर था तो 32 तो दोनों तरफ से हो एक मिनट जब बनू कुरैजा की लड़ाई हुई थी ना तब मोहम्मद साहब की जो तादाद मोहम्मद साहब के जो साथियों की तादाद थी ना वो अकलियत में नहीं थी अक्सरियत में थी उनसे ज्यादा थे बनू कुरैजा वालों से ये आप गलत बात कर रहे हैं झूठ बोल रहे हैं खुल्ला खुल्ला मैं क्वेश्चन और जब फतेह मक्का भी हुई थी तो इन्होंने रात को 3,000 बंदों के साथ एकदम से सोते में आके अटैक कर दिया था उन लोगों पे बगैर किसी इंफॉर्मेशन के आपके पास जवाब ही नहीं सर आए जरूर आए हेलो हेलो सॉरी हम उमर साहब हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके आप बहुत अच्छे से आए प्लीज ठीक है मैं आता रहूंगा लाजमी बात है अब वो आपके दर्ज लगे हुए कल वो आपसे जवाब लूंगा और कल कुछ बातें मैं ले आऊंगा उमर साहब जवाब दीजिए ना भाई एक सवाल का जवाब लेंगे किसका आप तो देख ही जा रहे हैं भाई थैंक्स अ लॉट सही मेरा टाइम हो गया है उमर साहब टाइम हो गया कल मिलेंगे यूनाइटेड नेशन जो है सो मसूख किया है।